हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल गई है, SI की, मेल और फीमेल दोनों के लिए भर्ती है। ये भर्ती दोस्तों पहले भी निकली थी। क्या है, ये भर्ती पहले भी निकली थी, वो केवल क्या थी, मेल कैंडिडेट के लिए थी और उसके अंदर 400 वैकेंसी थी। ठीक है, SI की भर्ती पहले भी निकली थी। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या है, बच्चे मैसेज कर रहे हैं क्योंकि इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया, दोबारा से नई एडवर्टाइजमेंट नंबर देके दोबारा से भर्ती को निकाल दिया गया है। बच्चे बार बार कमेंट करें कि क्या हमारी हमें फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या हमें एज में छूट मिलेगी, हम ओवर एज हो गए हैं। तो दोस्तों सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं सब इंस्पेक्टर लगने के लिए, या आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ताकि आपको नॉलेज आप किसी अपने छोटे भाई बहन को आप शेयर कर सको, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अब जो वैकेंसी आई है वो मेल के लिए भी आ गई है और फीमेल के लिए भी आ गई है। ठीक है, लगभग 65 वैकेंसी फीमेल की है और 400 वैकेंसी मेल की है। मेल फीमेल दोनों SI की भर्ती में आ गई है। एडवर्टाइजमेंट दोस्तों 3/2021, 3/2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। 19 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होने हैं, 2 जुलाई तक आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। और इन्होंने दोस्तों एग्जाम डेट भी, संभावित जो एग्जाम डेट है ना वो भी इन्होंने साथ में बता रखी है। मैं आपको एग्जाम डेट भी दिखा दूंगा, यहाँ पे आप अलग अलग से वैकेंसी देख सकते हैं। और थोड़ी सी मैं चीजें बता देता हूँ जिन बच्चों ने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है। जो ये भर्ती है SI की, सब इंस्पेक्टर की, ये ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती है दोस्तों, ग्रेजुएशन बेस पे। अपीयरिंग वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता जिसकी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल प्रॉपर आपके हाथ में आपके DM से आपके मार्कशीट है, तो आप SI की भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल भी आपका रहेगा, वो आप देख लेना थोड़ा। इसमें जो एज की कंडीशन है 21 से 27 साल है, 21 से 27 साल SI लगना है, तो 21 से 27 साल एज होनी चाहिए जो फ्रेश बच्चे हैं। ठीक है, और 1/6/2021 इस डेट को आपकी एज काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यहाँ पर दोस्तों जो SC कैटेगरी है, जो BC कैटेगरी है, जो EWS है, उनको 5 साल की छूट है। कितने साल की? 5 साल की छूट है। तो 21 से 27 तो दोस्तों नॉर्मल हो गई, 5 7 7 5 12, तो 32 साल दोस्तों एज हो गई है फ्रेश बच्चे के लिए। क्या है, 32 साल एज हो गई है। ठीक है, SC ST EWS का बच्चा है उसको 32 साल की एज हो गई है। इसके अलावा दोस्तों जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था अपना, उन बच्चों का क्या रहेगा, क्या उन्हें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? तो हाँ, बिल्कुल दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, आपकी फीस दोबारा नहीं लगेगी, फीस में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके काम की बात है, यहाँ पे आपके काम की बात है। अगेंस्ट दिस पोस्ट नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुड बी इनिशिएटेड एंड द सेम वर कैंसल्ड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला वाइड विद्रॉल नोटिस 15/6/2021, 15/6/2021 को SI की जो ये भर्ती थी उसको कैंसिल कर दिया गया। द कैंडिडेट हु हैड अर्लियर अप्लाइड अगेंस्ट अबव कैटेगरी, यदि आपने एडवर्टाइजमेंट 6/2019 की भर्ती में, SI की भर्ती थी जो कैटेगरी नंबर 3 थी, इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया था, तो क्या विल आल्सो बी इलिजिबल अगेंस्ट द री एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव वन टाइम रिलैक्सेशन इन फी एंड एज। दोस्तों एक बार मौका दिया जा रहा है आपको, फी में भी छूट दी गई है, आपको एज में भी छूट दी गई है। ठीक है, एज में भी छूट है, आपको फीस में भी छूट है, यदि आपने एडवर्टाइजमेंट 6/2019 कैटेगरी नंबर 3 SI मेल के अपना फॉर्म भरा था, तो अब आप फॉर्म भर सकते हैं। बेशक आपकी उम्र 50 साल हो गई है, आपकी उम्र बेशक आज 40 साल हो गई हो, आप SI का फॉर्म भर सकते हैं यदि आपने एडवर्टाइजमेंट 6/2019 कैटेगरी नंबर 3 का फॉर्म भरा था तो। ठीक है,
क्लियर है। तो यही चीज थी दोस्तों, लेकिन आपको अपना फॉर्म भरना जरूर पड़ेगा, विल हैव टू अप्लाई फ्रेश, ठीक है, फ्रेश फॉर्म भरना जरूर पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ये था दोस्तों, आपको एज में छूट है, बेशक आप 21 साल के हो गए हो, आपने फॉर्म रखा हो पहले वाला, आप इलिजिबल है इस भर्ती के लिए, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे।